मेरे भी ध्यान में ये मामला आया है। हमारे पास सप्लायर्स ने एक लेटर इशू अपना दिया है एसोसिएशन ने कि उनकी सप्लाई, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं पूरी कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो जन औषधि शॉप है वो IGMC की अपनी RKS की शॉप है, इसके माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों को ये फ्री मेडिसिन जो हैं या जो भी स्कीम्स में आयुष्मान हिमकेयर सहारा स्कीम्स हैं सरकार की, उनको अपना चला रहे हैं। बट जहाँ तक उनका एक सवाल है कि उनकी सप्लाई, उनके पैसे नहीं निकले, वो आयुष्मान और हिमकेयर में भारत सरकार और हिमाचल सरकार दोनों से हमें, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर आज से ही शुरू है, तो सरकार के आदेश थे कि नए फाइनेंशियल ईयर में वो हमारी जो डेफिशिएंसी है या जो पैसे उनके देने देनदारी है वो हम जल्दी ही, जैसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, इसमें इसको कवर कप कर देंगे। ये और इश्यू सिर्फ हिमाचल का, ये सिर्फ IGMC का नहीं है, पूरे हिमाचल में जितने भी संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब में ये इशू आ रहा है कि उनके थोड़ी पेमेंट्स जो हैं सप्लायर्स को नहीं मिल रही हैं। बट सबने हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को इस बारे में असुविधा ना आने दें, हम लोगों को पूरी की पूरी मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर, तो जैसे कई लोगों की शिकायत भी आ रही है कि उन्हें मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, तो हॉस्पिटल प्रशासन किस तरह सही इंतजाम कर रहा है दवाइयों के लिए? अभी मेरे ध्यान में ये मामला नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी व्यक्ति विशेष को या कोई आदमी है जिसको नहीं, ये कहीं भी इसको कमी पेशी आ रही है, वो हमारे से या MO स्टोर से या अस्पताल के प्रशासन से किसी से भी आकर मिलकर अपनी ये कंप्लेंट हमें दे सकता है और हम उसको प्रायोरिटी पे रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। जैसे सर सप्लायर इन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी है, तो अब आपने क्या दूसरे सप्लायर से भी संपर्क किया है या ऑलरेडी आपके संपर्क में है या दे रहे हैं? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि परसों हमारे पास ये उनका एक लेटर इशू इन्होंने एसोसिएशन की साइड से दिया है कि इनकी प्रेडेंसी ज़्यादा हो गई है, तो हमने सरकार के भी ध्यान में ये मामला लेके आए हैं। और लेकिन वही बात है कि कुछ सप्लायर्स की पेमेंट्स रुकी हैं, लेकिन कुछ सप्लायर हमारी पेमेंट अब हमारे को सप्लाईज दे रहे हैं, और बाई एंड लार्ज हम लोगों को इस असुविधा नहीं आने देंगे, ये हमारा आपके प्रॉमिस है। सर, ऐसा कि हम लोगों को पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, प्रशासन की तरफ से हमारे को आश्वासन दे दिया जा रहा है कि आपको बस 3 महीने की अभी पेमेंट हो जाएगी, और पेमेंट वो देते हैं हमारे को कोई कभी 2 लाख कोई 5 लाख रुपया इस तरह पैसे दे रहे हैं, और कभी पहले ऐसे हमारे को पेमेंट जो है यही 35 और 40 दिन के अंदर हमारे को पेमेंट आ जाया करती थी, तब कोई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। अब जो है पेमेंट एक साल से पेमेंट नहीं हो रही है, हम प्रशासन से इतनी बार मिल चुके हैं क्योंकि वो आश्वासन नहीं देते कि जी आपको पेमेंट अब नेक्स्ट मंथ हो जाएगी, वो नेक्स्ट मंथ 1 साल से नहीं हो रहा है। हमने सप्लाई बंद कर दी, हमारे को पीछे से सप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि वो पेमेंट कैश लेते हैं वहाँ पे हमारे से, तो वहाँ पेमेंट हमारे को सामान ही नहीं आ रहे लोगों के, हमारे को तो बाजार में सामान देना मुश्किल हो गया। वैसे जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक तो कुछ मुश्किल है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है ना, क्योंकि पैसा कहाँ से लाएं जब तक पैसा आएगा नहीं, हमारा तो सारा सर्कुलेशन ही खत्म हो चुका है इस चीज़ का। जब से हिमकेयर कार्ड आया हुआ है, मेरा नाम नितिश राणे, मेरा सर ऐसा है, जब से हिमकेयर कार्ड की योजना शुरू हुई है तो अभी सारा सभी जो यहाँ के हिमाचल के वासी हैं उन्होंने अपना हिमकेयर में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और हिमकेयर का सारा जो सामान है मेडिसिन वो मिलती है जनऔषधि में, तो हमें जनऔषधि में देना पड़ता है। तो अब ऐसा है कि जहाँ से हम परचेज करते हैं कंपनी से, उनका मैक्सिमम क्रेडिट डेज होता है 21 डेज, 21 दिन के बाद हमें उनका भुगतान करना ही पड़ता है। पर अभी जो है कि जब से अपना हम देख रहे हैं कि मई महीने से हमें 2023 से कोई पेमेंट नहीं आई है, तो जब भी हम जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि बस आप 20 दिन का इंतज़ार कीजिए, 20 दिन में आपकी पेमेंट आ रही है। तो अब हम मजबूर हैं कि हमारा सारा सामान IGMC में चलता है पर हम नहीं दे पा रहे हैं वो सामान, क्योंकि वो पेमेंट नहीं आ रही है। पहले था कि अपना 45 डेज के ऊपर पेमेंट नहीं रोकते थे, बट अभी ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने हो चुके हैं और पेमेंट नहीं आ रही है। और अब जैसे सरकार का लेटेस्ट एक रूल आया MSME कंपनीज का, तो उसमें भी बोल दिया है कि 45 डेज के ऊपर आप किसी की पेमेंट रोक नहीं सकते, तो हमारे लिए आजकल बिजनेस करना बहुत टफ हो चुका है सर। जी, तो आपने सप्लाई कंप्लीट बंद कर दी? सर कंप्लीटली बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमें पीछे से सामान नहीं आ रहा है,
तो हम मजबूर हैं सर, हम सामान देना चाहते हैं बट पेमेंट ना होने के कारण हम नहीं दे पा रहे हैं सर सामान। सर हम तो सिर्फ एक हम छोटे से व्यापारी लोग हैं, तो हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे 4 से 5 महीने की पेमेंट निकाली जाए ताकि हम सप्लाई को कंटिन्यू कर सकें सर। तो कितनी पेमेंट जो है आपकी बैलेंस रहती है अभी पूरे जितने सप्लायर है, अगर प्रदेश की बात की जाए? सर प्रदेश का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता बट शिमला में जो शिमला के होलसेल वाले हैं उन्होंने 60 से 70 करोड़ रुपया IGMC प्रशासन से लेना है। हाँ जी MS सर से हम मिले हैं, MS सर कह रहे हैं कि आप अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर में अभी हमें 15 अप्रैल तक का टाइम दिया है, क्या 15 अप्रैल तक रुके तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, उन्होंने आगे बात की हुई है सर। तो हमने आज देखा कि लोगों को दवाइयों लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, लोग काफी परेशान हैं, तो इसको भी देखना पड़ेगा किस तरह। हाँ जी अब ऐसा है कि सर अपना अब जन औषधि में सामान नहीं मिल रहा है तो अब लोग बाहर मैं जो कार्ड वाले लोग हैं वो भी पेमेंट करके ही सामान ले रहे हैं सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।